अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतिहास के सबसे खूंखार राक्षसी रानी के बारे में बताऊंगी जो हर रात जीवित बच्चा का दिल निकाल कर खाया करते थे। जी हाँ, आपने सही की सुना है, वो छोटे बच्चों को चुराते थे और उनका दिल निकाल कर खाते थे। लेकिन बच्चे ही क्यों, दुनिया में हजारों टेस्टी फूड होने के बावजूद बच्चों का दिल ही क्यों थी उसकी पसंद। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी एक नवाब की बेटी और उस औरत को इस हरकत के लिए सजा के तौर पर जिंदा दफनाया गया था। कौन है वो औरत और क्यों खाते थे बच्चों का दिल, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा देना। बंगाल के राजा मुर्शिद कुली खां की एक बेटी अजीमुन्नेसा के बारे में मुर्शिदाबाद में कई कहानियाँ प्रचलित है। अगर आप मुर्शिदाबाद घूमने के लिए जाओगे तो आमतौर पर वहाँ के लोगों से कहानियाँ सुनने को मिलेंगे। हजारद्वारी के पास अजीम नगर में नवाब मुर्शिद कुली खां की बेटी अजीमुन्नेसा को जिंदा दफन किया गया था। ऐसे मौत आज तक किसी राजकुमारी को नहीं दी गई। एक गहरी गद्दा खोद के गद्दे में पानी भर के वहाँ अजीमुन्नेसा को जिंदा छोड़ दिया और ऊपर पतिया डाल के प्लास्टर कर दिया था। एक बार मुर्शिद कुली खां की इस बेटी अजीमुन्नेसा को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। देश विदेश के डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के बाद भी ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। अंत में एक हकीम ने सलाह दिया, अगर वो हर दिन जिंदा बच्चों का दिल निकाल कर खाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। हर दिन जीवित लोगों को पकड़ के लाना संभव नहीं था, इसीलिए अजीमुन्नेसा ने पैसा देकर सात लोगों को नियुक्त किया। पहले तो वो लोग मना करते थे, बाद में राजकुमारी ने जान से मारने की धमकी दे के बच्चों पकड़ने के लिए मजबूर किया। हर रात एक बच्चों को पकड़ते थे और दिल निकाल कर खाते थे। इसे एक महीने तक चलता रहा और अजीमुन्नेसा बेगम की बीमारी भी ठीक हो गई। लेकिन उसे बच्चों का दिल खाने का बुरी आदत हो गई और हर रात उसे जीवित बच्चों के दिल की ज़रूरत होने लगी और ये सिलसिला जारी रहा। हर रात बच्चों की चोरी होने पर इलाके के लोग सतर्क होने लगा। अचानक एक दिन उन सात लोगों को बच्चा चोरी करते हुए पकड़ लिया और नवाब की बेटी की इस घिनौनी हरकत के बारे में पूरे इलाके में फैल गई। सभी ने नवाब से शिकायत की। नवाब ने सब देखने के बाद अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने का हिम्मत ना कर सके। अजीमुन्नेसा को जिंदा दफनाने के पीछे और एक कहानी मशहूर है। बेगम अजीमुन्नेसा के साथ उनके पति शुजाउद्दीन के संबंध अच्छे नहीं थे। उस समय शुजाउद्दीन उड़ीसा में रहते थे, इसीलिए अपनी पति से दूर रहने के लिए मुर्शिदाबाद में रहने लगे और अकेलापन को दूर करने के लिए उन्हें हर रात को एक आदमी की ज़रूरत थी और सुबह होने के बाद उस आदमी को मार देते थे और उसकी दिल निकाल कर खाते थे। ऐसे ही वो खूंखार औरत अपनी बुरी आदतों को बनाए रखता था। बाद में जब उसके पति शुजाउद्दीन को पता चला तो अपनी पत्नी को जिंदा दफना दिया। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।